हाई एवरीबडी वेलकम टू अभिमन्यू आई ए एस इंडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेरा नाम है मनिंदर एंड आई एम पंजाब पी सी एस रैंक थर्टी सिक्स ऑल्सो अ सीनियर फैकल्टी फॉर एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट अभिमन्यू आई ए एस अभिमन्यू आई एस ने पिछले ट्वेंटी थ्री ईर्यर्स में मोर दैन टू थाउजेंड से ज़्यादा सिलेक्शन दिए इंक्लूडिंग टॉपर्स एंड डिफरेंट एग्जामिनेशनस हमारा इंस्टीट्यूट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर के लिए बैचेज आ रहा है नए आ रहा है और अगर आपको भी यू नो सलेक्शन्स इन प्रस्टिजियस एग्ज़ाम्स में से लेनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन uh, में दिए गए uh, जो वो है उसको क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं तो हम कॉन्सेप्टन सीरीज वाला टॉपिक चला रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर एनवायरमेंट uh, में हम ना पाँच से छः मिनट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आज जो हम कॉन्सेप्ट इन सीरीज़ वाले टॉपिक के अंदर आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल बायोटिक इंटरेक्शंस तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं देखो आपको ये बिल्कुल आइडिया है कि जो हमारा नेचर है नेचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा फोना ये सब एग्जिस्ट करते हैं एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं ये सारे मतलब एक स्टेबिलिटी के प्लेटफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आ, ये सारी स्पीशीज़ जो हैं चाहे ह्यूमंस है, चाहे ह्यूमंस के अलावा बाकी स्पीशीज़ हैं ये सारी स्पीशीज़ ऐसे क्यों स्टेबिलिटी में जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है इंटर मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना तो कोई भी स्पीशीज़ नेचर में सोलो बिहेव नहीं करती और वो दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर इंटर डिपेंडेंट होती और ख़ुद भी किसी और स्पीशीज़ के लिए जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है ये जो इंटर डिपेंडेंस है बिटवीन वेरियस स्पीशीज़ इसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन्स जो है वो एमर्ज होती हैं जो जैसे अगर स्पीशी ए ले लें या स्पीशी बी ले लें इनके बीच में डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रैक्शन एमर्ज होती हैं ये इंट्रैक्शनस पॉजिटिव भी हो सकती हैं मतलब दोनों को बेनिफिट भी हो सकता है ये इंट्रैक्शनस नेगेटिव भी हो सकती है मतलब दोनों का नुकसान भी हो सकता है इन इंट्रैक्शन की वजह से ये भी हो सकता है कि ये इंट्रैक्शनस में एक को एक का नुकसान हो जाए दूसरे को बेनिफिट हो जाए ये भी हो सकता है कि एक का नुकसान हो जाए दूसरों को कुछ ना हो मतलब ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शनस जो हैं इंटर स्पीशीज़ में एग्जिस्ट कर सकती हैं ये सारी इंट्रैक्शनस को हम बायोटिक इंट्रैक्शन की क्लासीफाई में जो है वो डालते हैं सो बायोटिक इंट्रैक्शन इन अ वेरी सिंपल वर्ड इज़ नथिंग बट इट इज़ द यू नो इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ एट डिफरेंट यू नो लेवल्स एंड एक्सेट्रा तो बायोटिक इंट्रैक्शन क्या है इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स सिंपल सा फंडा है लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको हम बायोटिक इंट्रैक्शन की क्लासीफाई क्लासीफिकेशन में डालते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रे रिलेशन है मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक खा रहा है और एक एक को खाया जा रहा है तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप क्या है एक टाइप की बायोटिक इंट्रैक्शन है फॉर एग्जांपल प्लांट्स और हर्बी का रिलेशन है जैसे प्लांट जो है वो खुद फूड प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन हर भी वोरस उस प्लांट को कंज्यूम कर रहा है सिमिलरली कंपटीशन है दो एनिमल्स एक ही पर्टिकुलर जैसे आ, कोई फॉरेस्ट एरिया है या कुछ ग्रासलैंड है उसके अंदर दो एनिमल्स लगे हुए हैं घास खाने तो उन बीच उनके बीच में कंपटीशन आ गया है फॉर द सेम सोर्स तो उसके लिए भी हो सकता है और सिम्बाइसिस भी हो सकता है मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों उस इंट्रैक्शन से कुछ ना कुछ बेनिफिट कर रहे हों ऐसी इंट्रैक्शनस को हम बायोटिक इंट्रैक्शन की क्लासीफिकेशन में डालते हैं और जो डिफरेंट टाइम्स पे जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंट्रैक्शन का डेफिनेशन दिया बाई अंडरस्टैंडिंग द नेचर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने म्यूचुअलिज्म की बात की है म्यूचुअलिज्म का बेसिक मतलब है कि दोनों जो है ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट कर रहे हैं यानी कि स्पीशी वन और स्पीशी टू दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है प्रेडेशन मतलब एक ख़त्म हो रहा है और दूसरा का बेनिफिट हो रहा है तो इसको नुकसान हो रहा है एक एक स्पीशीज़ को और दूसरी स्पीशी को अगर हम देखें तो बेनिफिट हो रहा है तो ऐसे रिलेशनशिप को या तो प्रेडेशन की कैटेगरी में डालते हैं या फिर पैरासिटिसिजम की कैटेगरी में डालते हैं अगर हम बात करें कमेंसलिज्म की इसमें क्या होता है एक स्पीशी को बेनिफिट है लेकिन दूसरी स्पीशी को उस रिलेशनशिप में ना बेनिफिट ना कोई हार्म है यानी कि ज़ीरो कैटेगरी में वो फाइल कर रही है कॉम्पटिशन में क्या हो रहा है कि दोनों का ही नुकसान हो रहा है माइनस एंड माइनस है अमेंसलिज्म में अगर देखें तो एक को कुछ नहीं हो रहा कोई खाम नहीं है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है एंड फाइनली न्यूट्रलिज्म करके भी इंट्रैक्शन होती है जिसके अंदर दोनों स्पीशीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और किसी को बेनिफिट नुकसान कुछ नहीं हो रहा जीरो जीरो की कैटेगरी में डालते हैं एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जैसे म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल अगर देखें तो बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म एग्जिस्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स एंड माइक्रोब्स के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है आपने ज़रूर सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में ऐसे प्लांट्स जिनके रूट नॉड डूल्स मतलब रूट्स के अंदर है ना ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम जो 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 एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है तो इससे क्या हो रहा है जो बैक्टीरिया उसको तो जगह मिल रही है रहने के लिए और जो प्लांट है जिसके अंदर वो यू you नो know, रह रहा है उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं नाइट्रोजन से तो ऐसे को हम प्लांट एंड माइक्रोब्स की कैटेगरी में डालते हैं सिमिलरली आपने ज़रूर सुना होगा पॉलीशन के बारे में तो पॉलिनेशन क्या होता है कि है ना जो फ्लावर होता है उसकी जर्मिनेशन के प्रोसेस को हम पॉलीनेशन बोलते हैं जो भी फ्रूट की जर्मिनेशन के प्रोसेस को इसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज हो गया जिसको पॉलीनेटर स्पीशीज़ बोलते हैं ये हनी को ढूंढने के लिए जो है फ़्लावर्स के अंदर जाती है लेकिन वहाँ से वो जो आ, सारा कुछ है वो सारा ट्रांसप्लांट कर देती है इंटू डिफरेंट फ्लावर और फ्लावरिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सबल है तो एक जगह पे जर्मिनेशन हो रहा है प्लांट को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी जगह से उस पॉलीनेटर को बेनिफिट हो रहा है बाय कंज्यूमिंग द हनी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एनिमल्स एंड प्रोटेस्टर्स में या बैक्टीरिया में आपने कोरल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा कोरल्स जो होते हैं ये बेसिकली एनिमल स्पीशीज़ होती है और ये एनिमल स्पीशीज़ जो है उसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम जूज एंथले होता है ये जूज एंथले बैक्टीरिया क्या करता है ये बेसिकली कोरल्स के लिए फूड फिक्स करके देता है और जूज एंथले बैक्टीरिया को एक रहने के लिए जगह मिल जाती है तो दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है सिमिलरली आप ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग अली ये क्रोकोडाइल है और क्रोकोडाइल के जो आ, उसके मुंह में है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है जिसका नाम है प्लावर बर्ड तो आप ज़रूर ये सोच रहे होगे कि ये क्रोकोडाइल इस बर्ड को क्यों नहीं खा रहा क्यों खाएगा भाई क्योंकि ये जो बर्ड है ये क्या कर रही है बेसिकली क्रोकोडाइल के जो दांत हैं दांतों में फंसा हुआ जो आ, जो मील है उसको कंज्यूम कर रही है क्रोकोडाइल को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है क्योंकि क्रोकोडाइल के दांत क्लीन हो रहे हैं तो क्रोकोडाइल जो है वो है ना हेल्दी जो डेंटल स्ट्रक्चर्स है उसके लिए उसको अच्छा लग रहा है और फ्लावर बोर्ड को बर्ड को क्या फ़ायदा हो रहा है उसको खाने को जो है सामान मिल रहा है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसको बोलते हैं है ना हमारे पास सिम्बॉइटिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म का बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप आ जाता है इसके अलावा प्रेडेशन की अगर बात करें तो प्रेडेशन इज़ एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे यहाँ पे बेचारा प्रे की डेथ हो रही है और प्रेडेटर इन्जॉय कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव है एक रिलेशनशिप जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है बट डिफरेंस फ्रॉम प्रिडेटर प्रे है कि यहाँ पे जो प्रिडेटर है वो अपने प्रे को मारता नहीं है लेकिन उसके ऊपर जो है बैठा रहता है और उसको कंज्यूम करता रहता है धीरे धीरे करके जैसे अगर मस्कीटो की बात करें तो वो ऐसे करके मारता नहीं है जैसे हमारा और भी बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं है, है ना तो वो सारे ऑर्गेनिज्म होश के ऊपर ही रहते हैं और उसको ख़त्म नहीं करते लेकिन उसके उसका ब्लड सक करते रहते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें करते, करते रहते हैं तो जैसे लिक टिक्स आपने ज़रूर सुना होगा टिक्स तो टिक्स जो होते हैं वो भी ऐसी पैरासाइट ही होते हैं जो आपकी बॉडी में रहते हैं लेकिन आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं आप नेगेटिव में जाते हो लेकिन खुद को वो बेनिफिट करते रहते हैं तो ऐसे रिलेशनशिप भी पॉजिटिव नेगेटिव वाली कैटेगरी में आ जाते हैं इसके बाद कमेंसलिज्म है कमेंसलिज्म में क्या होता है एक ज़ीरो पे है और एक पॉजिटिव है मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है ऐसे रिलेशनशिप्स को हम कमेंसलिज्म वाले रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्री फ्रॉक को देखो तो ये ट्री फ्रॉग जो है प्लांट्स को यूज़ करता है फॉर इट्स प्रोटेक्शन तो इसमें प्लांट्स को तो कोई बेनिफिट नहीं है कोई नुकसान नहीं है तो प्लांट्स को तो ज़ीरो ही है लेकिन ये फ्रॉग जो है उसको बेनिफिट हो रहा है तो ये पॉजिटिव वे है तो ये एक रिलेशनशिप हो गया कमेंसलिज्म वाला इसके बाद आपने कैटल ईग्रेड्स को जरूर देखा होगा ऐसे करके कैटल के ऊपर ऐसे है ना जो बर्ड्स होते हैं वो बैठे होते हैं कैटल क्या कर रही होती है कैटल जब फॉरेज मतलब ढूंढ रही होती है तो इसमें से काफ़ी इंसेक्ट्स जो है रिलीज होकर बाहर निकल आते हैं ये इंसेक्ट्स जो होती हैं ये कैटल ईग्रेट्स कंज्यूम कर लेती हैं इससे तो देखो कैटल को तो कोई बेनिफिट नहीं है तो कैटल को ना ही नुकसान है इस चीज़ में तो वो जीरो है लेकिन इस रिलेशनशिप में जो ईगरेट है उसको इंसेक्ट्स मिल रहे हैं और उसको खाने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है बेसिकली हमारा है ना हमारा पॉजिटिव और जीरो रिलेशनशिप और बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये शेर है है ना और ये शेर के पीछे जो है ना ये गोल्डन जेकॉल्स हैं वंस दे हैव बिन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पैक दे विल ट्रेलर टाइगर टू यू नो जैसे सपोज करो कि गोल्डन जैकाल है तो ये बेसिकली क्या है कि है ना जब इसको पैक में से ये कई कई बार निकल जाता है तो फिर ये अपने रिमेन्स uh, मतलब अपने खाने के लिए क्या करता है ये टाइगर को ट्रेल करता है तो टाइगर जैसे कहीं पे बैठा है और खा रहा है कुछ और रस के बाद वो चला गया तो फिर ये रिमेनिंग जो उसका किल होता है उसको खा लेता है तो इसमें टाइगर को तो कोई बेनिफिट नहीं है कोई नुकसान नहीं है जीरो है टाइगर लेकिन जकार जो है उसको बेनिफिट हो रहा है तो ये भी एक रिलेशनशिप कौन सा हो गया कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप हो गया लास्ट रिलेशनशिप देखते हैं अमेंसलिज्म अमेंसलिज्म जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पीशी को कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन दूसरा नेगेटिव में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाइल्ड पिग्स देखो तो वाइल्ड पिग्स क्या है ना जब ये जा रहे होते हैं तो ये अपर लेयर ऑफ द साइल को डिस्ट, डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो है वो है ना अपने बड़ों से बाहर आ जाते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं प्रडेशन के लिए बाई द एक्शन ऑफ द पिग्स यानी कि जब ये चल रहा होता है तो बरोज़ ख़त्म कर देता है और वो बरोज में से जानवर बाहर आने शुरू हो जाते हैं और फाइनली उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है एज दे आर प्रिडेटेड बाय देयर यू नो एज ए प्रेड बाय द प्रिडेटर तो अब ये पेक को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उस चीज़ का लेकिन वो बेचारों का नुकसान हो गया सिमिलरली एलगल ब्लूम की अगर बात करें तो एल्गी तो बढ़ती जाती है ब्लूम आता जाता है लेकिन उस ब्लूम की वजह से क्या हो रहा है कि फ़िश की डेथ होने लग जाती है अब फिशिज़ की डेथ से एलगी को तो कोई बेनिफिट नहीं है तो एल्गी तो ज़ीरो ही है लेकिन ये फ़िशज़ की डेथ हो गई एलगी की इन यू नो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से तो ये नेगेटिव पे आ गए तो ये नेगेटिव एंड जीरो की कैटेगरी में आता है तो ये सारे थे बायोटिक इंट्रैक्शन तो अगर मैं छोटा सा दोबारा से आपके साथ आपके लिए रिपीट कर दूँ तो रेपिटेशन में हम यही डालेंगे कि कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं जैसे म्यूचुअलज़म कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं जैसे कि एंड प्रे उसके बाद कुछ हमारे पास पॉजिटिव एंड जीरो होते हैं जैसे कमेंसलिज्म कुछ माइनस माइनस होते हैं कंपटीशन, कुछ जीरो और ऑब्वियसली बात है नेगेटिव अमेंसलिज्म एंड फाइनली जो लास्ट कैटेगरी है वो न्यूट्रलिज्म की कैटेगरी है ये था आज का सेशन ऑन बायोटिक इंट्रैक्शन आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा थैंक यू